शुद्ध वाक्य चुनिए तो डी है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। नेक्स्ट शुद्ध वाक्य चुनिए तो सी है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए सी, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। शुद्ध वाक्य चुनिए सी, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध मचाया जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध हो रहा है। नेक्स्ट 98 बी, प्रात काल के समय, 19 रामचरितमानस की सबसे श्रेष्ठतम नेक्स्ट सी, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ए, मैं सारी रात जागता रहा। सी, जब तक मैं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। सी, आसानी के साथ कर सकता हूँ। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग का चयन कीजिए। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो आंसर होगा बी। नीचे दिए वाक्यों में त्रुटिपूर्ण भाग को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। ये शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए तो डी, गरीबों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है का शुद्ध रूप सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम। निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए तो सी, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। निम्नलिखित में से वाक्य को शुद्ध रूप का चयन कीजिए तो सी, आज का अवकाश देने की कृपा करें। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य सी, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये वन में प्रातकाल का दृश्य बहुत ही सुहाना। निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए तो बी होगा, बैल और बकरी घास चरते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए तो वो होगा बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए तो डी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य चयन कीजिए तो सी, उनका एक पुत्र है। निम्नलिखित में शुद्ध रूप कौन सा है, वह दंड के योग्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य रूप चयन कीजिए तो डी, उनमें अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। निम्नलिखित शुद्ध रूप का चयन कीजिए तो सी, भारत में अनेक जातियां हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए तो सी, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। शुद्ध वाक्य है ए, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है तो डी, इतना सुंदर है। कौन सा वाक्य शुद्ध है तो ए, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है तो बी, इस कविता से यह भाव प्रकट होता है तो बी। निम्नलिखित वाक्य में से अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग शुद्ध वाक्य बी, पूजनीय पिताजी आ गए। निम्नलिखित वाक्य में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य बी होगा, इसमें समय बजे हैं, तुमको मुझसे पढ़ना है। शुद्ध वाक्य ए, तुमको मैंने विद्यालय जाना है, ये मैंने। शुद्ध वाक्य बी,
उसकी बेटी हुई। शुद्ध वाक्य बी, यह कहना आपकी भूल। शुद्ध वाक्य सी, मुझे आपका नाम बहुत पसंद है। शुद्ध वाक्य छाटिए बी, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। शुद्ध वाक्य छाटिए बी, इसमें इस समय आपकी आवश्यकता 40 वर्ष की है। शुद्ध वाक्य, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि हो तो डी भाग को चुनिए। ए, अनेक अध्यापकों। शुद्ध वाक्य का पूर्ण कीजिए बी, माता पिता पूजनीय है। शुद्ध वाक्य पूर्ण कीजिए बी, वाह कितना सुंदर दृश्य है। शुद्ध वाक्य को पूर्ण कीजिए सी, प्रत्येक को 5-5 रुपया दिया जाए। मैंने यह काम कर लेना चाहिए। ए, मैंने। शुद्ध वाक्य छाटिए सी, उस वन में प्रातकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो डी, ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है। 40, 140 और 43 नीचे दिए वाक्यों में खंड त्रुटि। राम डी। राम की, राम भीख मांगी की, भीख मांगी सी, तारीख सी, अबद्ध रखना चाहिए सी, सहायता देकर। निर्देश प्रश्न संख्या 144 से 51, निम्न प्रेरित प्रश्न के 3 गत्यांश दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुन और उनके अनुरूप चिन्ह लगाकर वाक्य में त्रुटि कीजिए। ये हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय की घी बिकता है। महापुरुष 145, महापुरुष किसी देश जाति अथवा धर्म लेकर। डी, कोई त्रुटि नहीं है। पुलिस भी सबसे सर्वोत्तम उपाय सी, उद्घाटन करना सी, शीघ्र भेजने की अनुकंपन करे बी, सुंदरता सारे विश्व में। 50 केवल बी, इस विराट प्रदर्शन में सरदार पटेल से अच्छी। समय का तुमने अपनी सी, अनेकों ग्रंथ। मेरे भाई का जिसका शादी कल है का घर, घर का है। कोई त्रुटि बी। डी ए, कुछ अनेक, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेश लगा रहे हैं। 58 डी, कोई त्रुटि नहीं। 59 सी, लिखित भाषा उचित भाषा के सभी तत्वों को दिखाई देती है। निम्नलिखित कौन सा त्रुटि? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। बी, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। डी, शब्द निर्माण की अशुद्धि। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सी, मुझे घर जाना है। शुद्ध वाक्य 10 सी, अरब के 10 यात्री भारत आए। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य सी, दोनों में केवल यही अंतर है। शुद्ध सी, अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। शुद्ध वाक्य ए, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है।